मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारे पास कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है उसमें कॉम्पोनेंट नंबर 1 आ जाएगा टेस्टिस, जिसका काम है स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाना. तो सबसे पहला पार्ट टेस्टिस है जो स्पर्म्स को बनवाएगा, और टेस्टिस स्पर्म्स को बनाकर एक ट्यूब के अंदर डाल देगा जिसको बोलेंगे वास डिफरेंस. और ये जो वास डिफरेंस है ये स्पर्म्स को ले जाकर टेम्परेरिली स्टोर करवाएगा सेमाइनल वेसिकल के अंदर. तो सबसे पहले स्पर्म का प्रोडक्शन होगा टेस्टिस के अंदर. टेस्टिस में 3 to 4 लोब्स हो सकती हैं, जैसे यहां मैंने 3 लोब्स दिखाई हैं, तो 4 लोब्स भी हो सकती हैं. तो स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होगा, इसमें 3 to 4 लोब्स होंगी, और टेस्टिस कॉकरोच की बॉडी के 4th to 6th सेगमेंट के नीचे मिलेगी. तो उसके एब्डोमेन के 4th or 6th सेगमेंट के नीचे टेस्टिस लोकेटेड है. इसमें 3 to 4 लोब्स होंगी और ये स्पर्म को बनाएगी. इसके बाद स्पर्म ट्रेवल करके एक ट्यूब के अंदर आ जाएंगे जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से स्पर्म जाकर के स्टोर होंगे सेमाइनल वेसिकल के अंदर. तो ये स्पर्म को स्टोर करती है टेम्परेरिली. तो स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में ट्रेवलिंग बाय वास डिफरेंस एंड स्टोरेज इन द सेमाइनल वेसिकल. तो स्पर्म टेस्टिस से वास डिफरेंस में जाएंगे, वास डिफरेंस से सेमाइनल वेसिकल के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे, और इसमें स्टोर होने के बाद स्पर्म्स को जो नरिशमेंट है वो दिया जाएगा, और यहीं पर स्पर्म्स का एक पैकेट बनेगा जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर. तो जो स्पर्म्स हैं उनके पैकेट बनाए जाएंगे यहां सेमाइनल वेसिकल के अंदर, और स्पर्म्स को ये स्टोर करेगा, और पैकेट बनाते समय स्पर्म को जो नरिशमेंट है वो ये शॉर्ट ट्यूब्यूल्स देंगी. तो जैसे ये सेमाइनल वेसिकल है इसके अंदर स्पर्म्स का पैकेट बनेगा, तो ये आ गए स्पर्म्स. और इनको जो नरिशमेंट दिया जाएगा दैट विल बी गिवन बाय शॉर्ट ट्यूब्यूल. तो ये जो नरिशमेंट है दिस इज प्रोवाइडेड बाय शॉर्ट ट्यूब्यूल्स. तो नरिशमेंट देने का काम किसका है? शॉर्ट ट्यूब्यूल्स का, और स्टोर करने का काम सेमाइनल वेसिकल का. अब इसके ऊपर स्पर्म्स के ये पहला कवर है, और इस फर्स्ट कवर को बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल. तो ये है फर्स्ट कवर, इट इज मेड बाय लॉन्ग ट्यूब्यूल. तो स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में ट्रेवलिंग वास डिफरेंस से, स्टोरेज सेमाइनल वेसिकल में, यहां पर नरिशमेंट देगा शॉर्ट ट्यूब्यूल, और स्पर्म्स को जो फर्स्ट कवर चढ़ाएगा वो चढ़ाएगा लॉन्ग ट्यूब्यूल द्वारा सिक्रीट करा गया एक वाइटिश लिक्विड. और इसके बाद ये स्पर्म्स का पैकेट
एंटर कर जाएगा इनटू द इजैक्यूलेटरी डक्ट, और जैसे ही स्पर्म का पैकेट इजैक्यूलेटरी डक्ट में आएगा तो इजैक्यूलेटरी डक्ट इसके ऊपर सेकेंड कवर चढ़ा देगी। तो ये चढ़ गया कवर नंबर टू, और इस कवर नंबर टू को कौन चढ़वाएगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो स्पर्म्स यहां पर पैकेट बन बनकर बाहर आते हैं, तो पैकेट के अंदर जो नरिशमेंट है वो दिया है शॉर्ट ट्यूब्यूल ने, जो उसके ऊपर फर्स्ट कवर चढ़ा है वो दिया है लॉन्ग ट्यूब्यूल ने, और सेकंड कवर देगी इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इसके ऊपर एक थर्ड कवर भी चढ़ाया जाएगा, और ये चढ़ गया थर्ड कवर, और इस थर्ड कवर को चढ़ाने का काम करवाएगा ये फैलिक ग्लैंड। जब स्पर्म का पैकेट यहां आ जाएगा तब ये फैलिक ग्लैंड से रिलीज हुआ हुआ सब्सटेंस यहां से आएगा और स्पर्म के पैकेट के ऊपर थर्ड या फाइनल कवर चढ़वा देगा, और इस थर्ड कवर को चढ़ाने का काम फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड का सिक्रीशन करेगा जो कि सबसे लास्ट में आएगा। तो इसको चढ़वाया है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड ने, और स्पर्म के इस पूरे पैकेट को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्म्स का ये पैकेट कहलाता है स्पर्मेटोफोर, और इसका डायामीटर होता है 13 mm, और इसकी शेप होती है लाइक अ पियर। तो पियर लाइक शेप है, 13 mm का डायामीटर है, और इस स्पर्म के पैकेट को कहते हैं स्पर्मेटोफोर। तो हमारे पास ये स्पर्मेटोफोर बनेगा इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस स्पर्म बनाएगी, ट्रेवल करेंगे वास डिफरेंस से, स्टोर होंगे सेमाइनल वेसिकल के अंदर। जब स्पर्म यहां स्टोर होंगे तो उनको नरिश करेगा स्मॉल ट्यूब्यूल, और उसके ऊपर पहला कवर चढ़ाएगा लॉन्ग ट्यूब्यूल, और इसके बाद ये एंटर कर जाएगा स्पर्म का पैकेट इजैक्यूलेटरी डक्ट में, जो इसके ऊपर सेकेंड कवर चढ़ाने का काम करेगी, और थर्ड कवर चढ़ेगा बाय द सिक्रीशन ऑफ कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, जो इस वाली डक्ट से आकर के इसके ऊपर कवर चढ़ा देगा। तो स्पर्म बनाए टेस्टिस ने, चले वास डिफरेंस में, स्टोर हुए सेमाइनल वेसिकल में, नरिशमेंट दिया शॉर्ट ट्यूब्यूल ने, पहला कवर चढ़ाया लॉन्ग ट्यूब्यूल ने, दूसरा कवर चढ़ाया इजैक्यूलेटरी डक्ट ने, तीसरा कवर चढ़ाया फैलिक ग्लैंड ने, और ये बन गया हमारे पास स्पर्म का एक पैकेट जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोफोर, जिसका डायामीटर 13 mm है और पियर जैसी शेप है। तो ये तो हो गया सारा मेन कंपोनेंट, और लॉन्ग ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल और सेमाइनल वेसिकल तीनों को एक साथ कहा जाता है यूट्रिक्युलर या मशरूम ग्लैंड। तो ये तीनों एक साथ कहलाएंगे यूट्रिक्युलर या मशरूम ग्लैंड, और ये मिलेगा कॉकरोच की एब्डोमेन के 6th और 7th segment के नीचे, और इसके ऊपर प्रेजेंट है फैलिक ग्लैंड, जो थर्ड कवर
चढ़वाने का काम करेगा। और अब इसके बाद आप ये जो सारे पार्ट्स देख रहे हैं, आखिर ये क्या है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो कॉकरोच की बॉडी के अंदर सबसे पहले हम कोर्स ऑफ स्पर्म को देख लेते हैं। टेस्टिस में बने, वास डिफरेंस में गए, वास डिफरेंस से सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्पर्म स्टोर हुए, वहां पर स्मॉल ट्यूब्यूल ने नरिशमेंट दिया, लॉन्ग ट्यूब्यूल ने फर्स्ट कवर दिया, और उसके बाद ये पहुंच गए इजेक्यूलेटरी डक्ट में, वहां पर स्पर्म्स को सेकंड कवर मिला। इजेक्यूलेटरी डक्ट से जब वो आउटसाइड द बॉडी आने लगेंगे तब उनको दिया जाएगा थर्ड कवर बाय द फेलिक ग्लैंड। तो ये तो इस तरीके से स्पर्म्स के पैकेट बने थे। अब ये सब पार्ट्स क्या है, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इन सारे पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारे पास पहला पार्ट आ रहा है एनल सिराय या एनल सरकाय या सिरस, आप दोनों नामों से बुला सकते हैं। इसका काम होता है विंड को डिटेक्ट करना और वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना। तो ये विंड और वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है और कॉकरोच को बताता है कि आसपास कुछ है या नहीं। और इसके बाद आता है, और ये सेगमेंटेड पार्ट है, आप देख सकते हैं इसको मैंने सेगमेंट्स में बनाया है। इसके अंदर 15 सेगमेंट्स होते हैं, तो 15 सेगमेंट्स है, विंड और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, सेगमेंटेड पार्ट है, और ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में मिलेगा। तो मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच की बॉडी के अंदर ये पार्ट मिलता है, एंड इट इज अटैच्ड टू द 10th सेगमेंट। अब इसके बाद आता है नाइन्थ सेगमेंट। अब इसके बाद आता है हमारे पास एनल स्टाइल। ये जो एनल स्टाइल है ये मिलेगा हमें सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर, और इसका काम क्या होता है, ये कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर है, और ये कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर क्या काम करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये फीमेल कॉकरोच को होल्ड करेगा एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन, और साथ साथ ये केमिकल्स भी डिटेक्ट कर सकता है। तो एनल सर्कस ये जो है 15 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, विंड और वाइब्रेशंस डिटेक्ट करेगा और मेल फीमेल दोनों में मिल जाएगा। एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में मिलेगा, कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर है, केमिकल्स डिटेक्ट कर सकता है, और फीमेल कॉकरोच को एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन होल्ड करेगा। और अब जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, दैट इज टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, एस्परेट लोब और एक्यूटो लोबस, ये सभी पार्ट्स लेफ्ट फेलोमियर के अंडर आते हैं। कॉकरोच की बॉडी में 3 फेलोमियर होते हैं, राइट, वेंट्रल और लेफ्ट। ये तीनों फेलोमियर्स मिला करके बनता है कॉकरोच का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इन तीनों का क्या काम होता है,
इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। इसमें जो टिटिलेटर वाला पार्ट है ये फीमेल को स्टिम्यूलेट करता है, सेक्स के लिए अट्रैक्ट करता है। तो टिटिलेटर फीमेल को अट्रैक्ट करेगा टच करके, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जो स्यूडो पेनिस है ये लॉक कर देता है। आपने देखा होगा जब दो कॉकरोच मेट करते हैं, कॉप्यूलेट करते हैं, तो उस टाइम पे वो दोनों पीछे से जुड़ जाते हैं। तो उनको फंसाता कौन है, जोड़ता कौन है? तो उसको जोड़ता है स्यूडो पेनिस। तो सेक्स करते समय दो कॉकरोच उल्टे होकर के जुड़ जाते हैं और एक दूसरे की बॉडी में फंस जाते हैं। तो वो फंसाने का काम स्यूडो पेनिस का है, और फीमेल को स्टिम्युलेट करेगा टिटिलेटर। और अब ये राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर और ये दोनों पार्ट मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ओपन करेंगे, ताकि उसके अंदर ये स्पर्म का पैकेट, स्पर्मेटोफोर डाला जा सके। तो फीमेल कॉकरोच के अंदर स्पर्म के पैकेट को डालने के लिए, क्योंकि वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो जब मेल कॉकरोच को स्पर्म्स डालने होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा उठाना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर और लेफ्ट फेलोमियर मिलकर खोलेंगे, और फीमेल को रिझाएगा कौन? टिटिलेटर। उसको लॉक कौन कर देगा? स्यूडो पेनिस। और ये सब मिलकर के उसको खोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ताकि स्पर्म्स का पैकेट उसमें डाला जा सके। तो हमारे पास अब टोटल पार्ट्स क्या हो गए? पहला टेस्टिस, दूसरा वास डिफरेंस, तीसरा सेमाइनल वेसिकल, चौथा शॉर्ट ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल, फेलिक ग्लैंड, इजैक्यूलेटरी डक्ट जहां से स्पर्म बाहर आएंगे, दिस इज डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड जो सिक्रीट करेगा थर्ड कवर, और ये है फेलोमियर। फेलोमियर का मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या इसको गोनेपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो गोनेपोफाइसिस लिखा मिले, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लिखा मिले, या फेलोमियर, इन तीनों का मतलब एक ही है कि ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसका काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खोलना, ताकि उसमें स्पर्म का पैकेट डाला जा सके, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोफोर। होप यू हैव गॉट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।